हिंदू राष्ट्र अंगे धीरेन्द्र शास्त्री नु मोटू निवेदन, भारत ने हिंदू राष्ट्र बनावामां आवशे, पहला भारत अने पछी पाकिस्तान नो वारो, पाकिस्तान ने पण हिंदू राष्ट्र बनावीश, धीरेन्द्र शास्त्री नु आ कहेवू। तो धीरेन्द्र शास्त्री अलग अलग जगह पर लोगों ने मिली रहा है त्यारे तेमनुं आ मोटू निवेदन सामे आवी रह्युं छे। भारत ने हिंदू राष्ट्र बनावामां आवशे, पहला भारत अने पछी पाकिस्तान नो वारो, धीरेन्द्र शास्त्री नुं आ निवेदन, पाकिस्तान ने पण हिंदू राष्ट्र बनावीश। भारत बन जाने दो बेटा, फिर चलेंगे पाकिस्तान, तो मैं भी ले चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, सुनिए सुनिए। हिंदू राष्ट्र का मतलब किसी एक धर्म के लोगों को रहने का स्थान है। हिंदू राष्ट्र का मतलब जो ये जो जातिवाद है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो बार बार राम की यात्रा पर पत्थर फेंके जाते हैं, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये जो रामचरितमानस को फाड़ा हुआ जलाया जा रहा, ये सब बंद हो व सभी मुसलमानों को भारत में रहने का अधिकार है, किसी भी मजहब को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक व्यवस्था है, राम राज्य की एक व्यवस्था है। हिंदू राष्ट्र सिर्फ एक ऐसा अंग है जिससे कोई किसी भी मजहब के खिलाफ ना बोले व पत्थर ना फेंके, इसलिए हिंदू राष्ट्र। भोले भाले लोगों को लालच देकर जो लोग धर्मांतरण करवा रहे, ये मूर्खतापूर्ण है और इस पर रोक लगाने के लिए ही अब सब साधु संत एक हो रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो रहा है। देखिए, केवल कृष्ण जी की गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है। हम लोग मौका दे रहे हैं, हम लोग खुद नहीं जगे हैं, हम लोग अपने पिछड़े और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई कर रहे हैं। ये हमारी मूर्खता का फायदा वो लोग उठा रहे हैं। जिस दिन सब एक हो जाएंगे, किसी की क्षमता नहीं।